राजस्थान के बारां जिले के छिपाबडौद उपखंड क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा से बाढ़ में बेघर हुए लोगों को छिपाबडौद पंचायत समिति की पूर्ण प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य कविता मीणा एवं जिला महासचिव हरि नारायण मीणा ने सारथल छिपाबडौद तहसील मुख्यालय के टाकुड़ा पटपड़ी गांव में बाढ़ से प्रभावित हुए परिवारों को गुरुवार को राशन सामग्री किट लेकर पहुंची पूर्व प्रधान कविता मीणा फिर से बेबस लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आई। राशन सामग्री किट में आटा, दाल, चावल, शक्कर, चाय, नमक, मिर्च आदि चीज़ों के पैकेट, बाढ़ से प्रभावित हुए 125 परिवारों के 200 राहत सामग्री किट वितरण कर बाढ़ग्रस्त परिवारों के दुख में शामिल हुई और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर कांग्रेस जिला महासचिव हरि नारायण मीणा, पंचायत समिति प्रतिनिधि सिद्धार्थ बना, यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सत्यनारायण लववंशी एवं टीम कविता मीणा ने घर घर जाकर राशन सामग्री किट बांटे, जिन्हें पाकर बाढ़ पीड़ितों ने पूर्व प्रधान कविता मीणा का आभार व्यक्त किया। वहीं इससे पहले कोविड के दौरान तहसील मुख्यालय में सबसे ज्यादा 2500 राशन किट बांटकर लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ चुकी हैं। वर्तमान पंचायत सदस्य आज हम दौरे पे निकले हैं, यहाँ पे ग्राम बाउपुरा के जो पटपड़ी गांव है उसमें अतिवृष्टि के कारण इनके घर, इनकी फसलें, इनका जो खाद्य सामग्री है वो सब कुछ इनके नष्ट हो चुकी है। और मैं सरकार से अपील भी करूंगी कि इस गांव को डूब क्षेत्र में लिया जाए, इसको डूब क्षेत्र में भी नहीं जोड़ा गया है। यहाँ इन लोगों के पास अभी ना तो खाने के लिए कुछ है, ना रहने के लिए छाया है, कुछ भी नहीं है। और मैं सरकार से अपील करूंगी कि इनके लिए खाने की और पहनने ओढ़ने के लिए अभी व्यवस्था की थोड़ी जल्दी करी जाए और यहाँ पे वापस व्यापक सर्वे करा के अच्छे से प्रशासन से अपील करती हूँ कि अच्छे से इनका सर्वे किया जाए और इनको उचित मुआवजा दिया जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।